दिवाली आने वाली है और ऐसे में आप आ गए हैं प्रेशर में, क्योंकि घर को करना है साफ, आएंगे ढेरों सारे मेहमान, उन्हें खिलाना है लाजवाब सा खाना और किचन की भी करनी है सफाई, ताकि आप जब उन्हें परोसे खूब सारे पकवान तो वो कहें वाह लाजवाब है आपका खाना और आपकी किचन। और इसी के लिए मैं आपको देने वाली हूँ 10 ऐसी टिप्स जो झटपट आपकी किचन को कर देंगी साफ, और ना लगेगा ज़्यादा टाइम, ना लगाना पड़ेगा ज़्यादा दिमाग। तो पहली टिप है आपकी किचन की गैस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसपे खाना बनता है और चिपक भी जाता है। बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट अगर आपकी किचन वाली गैस पर हो रही है तो आपको उस गैस से चिपचिपाहट हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बाउल में पानी लेना है, उसमें वाइट विनेगर मिलाना है और डिश वॉशर आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं उसे डाल दीजिए एक चम्मच, और नमक उसमें मिला दीजिए, अच्छे से घुमाइए, एक स्प्रे बना लीजिए या तो फिर डायरेक्ट आप उसे ब्रश से या किसी चम्मच से अप्लाई कर सकते हैं, और फिर एक कॉटन का कपड़ा लेकर अपनी गैस को बिल्कुल साफ कर दीजिए, वो ऐसे चमकेगी जैसे आपने खरीदी हो नई गैस। और अब दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किचन में, जहाँ पर आप गैस रखते हैं, यानी वो वाला एरिया, वो शेल्फ जहाँ पर आपका गैस रखा होता है, उसमें भी बहुत सारे जंक वाले निशान पड़ जाते हैं, या फिर जो सिलेंडर आप जहाँ रखते हैं वहाँ पर भी कॉर्नर्स पे जो जंक के निशान हैं वो नज़र आने लगते हैं, जिसे हम रस्ट एरिया कहते हैं, उसको भी क्लीन करने के लिए आप जो नींबू आपने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है उसके जो छिलके रह जाते हैं उसे वहाँ पर रगड़ दीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपके किचन में वो एरिया कितना साफ चमचमाता हुआ आपको दिखाई देगा। तीसरी टिप आपको देने वाली हूँ, जब आप अपने किचन के जो शेल्फ के पास आप देखेंगे ना, जब बर्तन साफ करते हैं तो वो कई लोगों की सीमेंटेड होती है और कई लोगों की जो है वो स्टील की सिंक बनी होती है, जो टैप्स होते हैं उसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना है एक बाउल में इमली का पानी लेना है और उसमें आपको डालना है एक चुटकी नमक, यानी एक टेबल स्पून नमक डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और थोड़ा सा विनेगर मिलाइए, उसके बाद आप उसे कपड़े से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर दीजिए, और देखिए 2 मिनट अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे आपकी जो किचन की सिंक है वो बहुत क्लीन रहेगी, जो टैप है जिस पर वो ब्लैक एरिया जो हो जाता है कहीं टाइम से हम पूरा साल भर सफाई नहीं करते उससे भी आपको निजात मिलेगी, और आपकी किचन जो है बिल्कुल नई जैसी नज़र आएगा, वो वाला एरिया जो प्लेटफॉर्म एरिया होता है, मेन एरिया होता है। अब चौथी चीज़ होती है किचन में मौजूद जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनके लिए डब्बों का इस्तेमाल। यूजुअली जो इंडियन हाउस होल्ड्स होते हैं उनमें प्लास्टिक के डब्बे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, और आपने देखा ही होगा कि कुछ जो डब्बे होते हैं जो कैबिनेट्स के अंदर नहीं होते हैं, बाहर आपके प्लेटफॉर्म एरिया पर रहते हैं, उन्हें आप कैसे क्लीन कर सकते हैं? पहले तो आप उसे थोड़े से जो मॉइस्चर वाला कपड़ा होता है उससे क्लीन कर दीजिए, फिर आप देखिए कि उसमें कालापन तो रहेगा ही क्योंकि वो बहुत टाइम से जो धूल है वो जो चिपक गई है उसे आप वो नींबू का जो यूज्ड पार्ट है उससे भी घिस सकते हैं, नहीं तो आप अपने डिश वॉशर से भी उसको क्लीन कर सकते हैं, उससे बहुत झटपट हो जाएगा, आपको पूरा डब्बा खाली करने की ज़रूरत नहीं है और जो उसके अंदर दालें रखी हैं या मसाले रखे हैं उसको खाली करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से भी उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, बस एयर टाइट डब्बे को अच्छे से बंद कर दीजिए ताकि उसमें से जो सामान है वो बाहर ना निकले और हवा भी अंदर ना जाए। अब 5वीं टिप मैं आपको देने वाली हूँ, जब हमारे किचन में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं यानी कि तैयारी हो रही होती है दिवाली की, तो ऐसे में हम अपने फ्रिज को कैसे भूल सकते हैं? फ्रिज में हमारे सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी होती है, सब्जियाँ, फ्रूट्स, मिठाइयाँ, ये चीज़ें भी तो ख़राब नहीं होनी चाहिए ना, तो इन चीज़ों को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? अपने जो फ्रिज है उसको अच्छे से क्लीन करके, फ्रिज को आप एक रात पहले बंद कर दीजिए, अगर आपका सामान ज़्यादा नहीं है तो उसमें आप एक कटोरी पानी लीजिए और उसमें नींबू निचोड़िए, आप डिश वॉशर डालिए, वाइट विनीगर डाल सकते हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो एक पानी बनाइए, एक स्प्रे बनाइए, उसे आप डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिए, उसे एक बॉटल में डाल दीजिए और बॉटल का स्प्रे आप अपने जो फ्रिज है उस पर वहाँ कीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कालापन है या फिर बहुत सारी गंदगी चिपकी हुई है, उसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उसे क्लीन क्लोथ से साफ कर दीजिए, देखिए एक भी दाग आपके फ्रिज में नहीं बचेगा। और जो इम्पॉर्टेंट छठी चीज़ है वो है माइक्रोवेव। जी हाँ, कई लोगों के घर में जो माइक्रोवेव है वो अलग से होते हैं, कुछ लोगों के फिटेड माइक्रोवेव्स होते हैं और उसमें स्मेल हो जाती है, आप कोई खाना अगर गर्म कर रहे हैं तो वो स्मेली खाना भी हो जाता है, मतलब राजमे की खुशबू की जगह आपको थोड़ी सी ऐसी खुशबू आएगी
ऐसा लगेगा कि शायद बासी खाना खा रहे हैं। तो अपने मेहमानों को जो है वो फ्रेश खुशबू वाला खाना खिलाइएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, माइक्रोवेव में आप एक बाउल रख दीजिए, उस बाउल में आपको नींबू निचोड़ कर रख देना है। 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव ऑन कर दीजिए और उसे ऐसे ही बंद छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद जब खोलेंगे तो आपको एक भिन्न सी महकी सी खुशबू आएगी और वो बहुत ही अच्छी होगी। उससे क्लीनिंग भी हो जाएगी आपके माइक्रोवेव की, उसमें जो मॉइस्चर आता है उसे कपड़े से क्लीन कर दीजिए, उसकी जो ट्रे है उसे अच्छे से क्लीन कर दीजिए, देखिए फिर क्या ज़बरदस्त आपका माइक्रोवेव चमकेगा। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जब इंसान आपकी किचन में घुसेगा, मतलब जो मेहमान आपके आएंगे वो किचन में घुसेंगे, तो सबसे पहले टाइल्स पे उनकी नज़र जाएगी। तो टाइल जो हैं वो रेगुलर यूज़ होने के वजह से हम रेगुलर उसको धो भी नहीं पाते हैं, तो उसमें येलोपन रह जाता है, एक चिपचिपाहट रह जाती है। उसे कैसे क्लीन करना है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा एक कटोरी में डालिए, 1 चम्मच नमक डालिए, उसमें विनीगर डालिए या कोई डिश वॉशर डालिए और थोड़ा सा पानी मिलाइए। उसके बाद आप उसे स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने टाइलों पर छिड़किए और फिर अच्छे से एक क्लीन कपड़ा लेकर उसे साफ कर दीजिए। सिर्फ ये 15 मिनट का काम है, आपकी टाइलें चकाचक बिल्कुल चमकती हुई नजर आएंगी। इसी तरह की बहुत सारी टिप्स हैं जो आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे स्प्रे आप घर के किचन के कैबिनेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपकी किचन जो है वो काफ़ी क्लीन रहेगी। तो किचन की टाइल की सफाई हो गई है, अब जो मेहमान आपके किचन में आने वाले हैं उनको देख कर आने वाला है मज़ा और खाने में तो स्वाद उन्हें ज़रूर आएगा ही, क्योंकि इतनी अच्छी किचन में खाना जो बनेगा, याद रखिएगा कि किचन में जाले भी नहीं होने चाहिए। तो ये एंड टिप है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि किचन में दिवाली के वक्त कभी भी जाले ना हो, वो आप अपनी सुविधा से हटा सकते हैं, चाहे वो जाला आता है उससे हटा सकते हैं, झाड़ू से हटा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हटा सकते हैं। तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस।